मुंब्रा मार्केट फास्ट रेलवे लाइन पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। रेलवे ट्रैक पर एक पेड़ गिरा हुआ था, तभी भागलपुर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस जो कि भागलपुर से मुंबई आ रही थी, भागलपुर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ये ट्रेन अभी मुंब्रा पहुंची ही थी कि ड्राइवर की सूझबूझ काम आई और समय रहते ट्रेन की इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोक दिया। हालांकि इसके बावजूद इंजन सहित 2 से 3 डिब्बे पेड़ के ऊपर से पार हो गए। गनीमत रही कि इस दौरान ट्रेन पटरी से नहीं उतरी, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। यह हादसा रात तकरीबन 9 बजे के आसपास बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक पारसिक टनल के नजदीक एक पेड़ बारिश की वजह से ऊपर से नीचे रेलवे ट्रैक पर आ गिरा था और तभी भागलपुर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस आ पहुंची। मौके पर रेलवे पुलिस दमकल विभाग की टीम भी पहुंची और पेड़ की टहनियों को काटकर हटाया गया। करीब 1 घंटे बाद ट्रेन मुंबई की दिशा में रवाना हो गई। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।